हम कहते हैं ना कि औरत घर की इज्जत होती है, तो उसी इज्जत को हम इज्जत देना भूल क्यों जाते हैं? और जो लोग ये कहते हैं ना कि औरत क्या चीज है, उन लोगों को पहले ये समझ लेना चाहिए कि औरत कोई चीज नहीं है। अगर इस घर के बड़े हम बेटों के बाहर जाके काम करने से परेशान नहीं है और हमारे अचीवमेंट्स को लेकर प्राउड फील करते हैं, तो यही सेम ट्रीटमेंट घर की बहुओं को क्यों नहीं मिल सकती है? हम भी वही खाना खाते हैं, वही पानी पीते, सेम हवा में सांस लेते, इंसान वो भी हैं, हम भी हैं, तो फिर ये फर्क क्यों है काकू? फर्क सोच में विराट, और ये फर्क बदलने का फर्ज इस घर के बेटों को है। तुमने बिल्कुल ठीक बात छेड़ी है। एग्जैक्टली। जब तक हम पति अपनी पत्नियों के हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक ना फर्क मिटेगा और ना बदलेगा। हाँ, बदलो, सब कुछ बदल दो। इस घर के बेटों को अपनी पत्नियों को बाहर काम करते देखना है, और अपनी माओं को, बुजुर्गों को इस उम्र में घर में रसोई में काम करते। नहीं, मैं अपने घुटनों के दर्द के साथ पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। ये अश्विनी एक पैर पर खड़ी रहेगी, ताकि जब सही घर पर आए तो उसे एक प्याली चाय पिलाए और पूछे, सही बाड़ा, तुझे कुछ चाहिए? मानसी अपनी पत्र लेखा के लिए खाना गर्म करेगी, और सोनाली करिश्मा जब थकी बाकी घर पर आएगी तो उसके पैर दबाएगी। हाँ, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। हाँ जी, कला नेक मान ना दबा दूं। और वही नहीं, हम ये सब करेंगे अभी। विराट घर के सभी बेटों को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा ओमी काका? हम ये थोड़ी ना कह रहे कि अब से घर का काम सारे घर के बड़े करेंगे। अगर घर की बहुएं बाहर जाएंगी, अपना करियर बनाएंगी, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो घर का काम नहीं करेंगी। बिल्कुल करेंगी, लेकिन वो तब करेंगी जब उनके कामों में हाथ बटाएंगे। जब वो बिजी होंगी तब हम काम करेंगे, और जब हम बिजी होंगे तब वो काम करेंगी। जब मियां और बीवी बाहर की दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, तो घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटा के काम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, मैंने भी नोटिस किया है कि सुबह से लेकर रात तक पत्र लेखा कैसे सिर्फ और सिर्फ घर के कामों में बिजी रहती है। अक्सर सोचता हूं कि इससे पूछूं कि पत्र लेखा तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, लेकिन इस घर का सिस्टम ही ऐसा है कि कभी पूछ नहीं पाया। एंड आई एम श्योर अगर मैं उससे पूछूं कि उसे मेरी हेल्प चाहिए, तो वो मेरी हेल्प नहीं लेगी। लेकिन क्यों क्यों वो अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उठाए मेरे होते हुए भी? आज सम्राट मुझे सबके सामने सपोर्ट कैसे कर रहा है? किसी दिन अगर सही को जल्दी जाना हुआ या हॉस्पिटल से वो देर से आती है, तो इसके हिस्से का काम मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ काकू, करना भी चाहिए, और मैं करूंगा। आगे से मैं और मोहित भी इस घर के कामों में हाथ बटाना चाहेंगे। मैं तो वैसे भी घर आ जाते माँ के थे सामान नहीं आता हूँ, कभी अगर जरूरत पड़ी तो आप सब लोगों की हाथ भी बटा सकता हूँ। खंडोबा खंडोबा, इस घर में तो उल्टी गंगा ही बह रही है। एक लड़की को काम करने से मना क्या कर दिया, जब पूरी फौज ही खड़ी हो गई है। ये गंगा उल्टी नहीं, अब सीधी बहेगी। ये घर हम बेटों का भी तो है, जिसमें हम इतनी शान से रहते हैं, तो ये जिम्मेदारियां निभाना इसमें क्या हर्ज ही क्या है? एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली अग्री विद यू वीरू। कुछ महीने पहले तक मैं काम कर रही थी, और अगर मेरा मन चाहता है तो मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगी, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो अगर मुझे कोई नहीं रोकेगा तो इस घर में सई को कोई क्यों रोक रहा है? इस घर में बेटी और बहू के बीच में फर्क क्यों है? जो मेरे हक है वो सई के, करिश्मा के और पत्रलेखा के हक क्यों नहीं है? वहीनी,
हर पार्टी या फंक्शन में जब इनके मायके वाले हमारे घर आते हैं तो हम तो बड़े जोश से कहते हैं कि ये हमारे घर की बहुएं नहीं है, ये हमारे घर की बेटियां हैं। तो क्या ये बातें सिर्फ बातें हैं? क्या इन बातों की कोई मायने नहीं है वहीनी? और हाँ, एक और चीज, अभी तो राजीव हमारे घर में रह रहा है, तो कल क्या आप लोग राजीव को भी काम करने से रोकोगे? Exactly. जैसे कि मैं घर के बाहर तो काम करूंगा ही, लेकिन यहाँ के रोजमर्रा के कामों में भी हाथ बटाना चाहता हूँ। मस्त मस्त, ये सारी क्रांति आप लोगों ने उस दिन क्यों नहीं दिखाई जब मैंने सई के सामने शर्त रखी थी? और एक बात बताओ, क्या सिर्फ सई के सामने शर्त रखना इतना ही किया मैंने? मेरी बाकी चीजों पर ध्यान नहीं गया किसी का? मैंने इसे इतना मान दिया, इस घर की बड़ी बहू माना, अपने बाद इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इस पर ध्यान नहीं गया किसी का? मेरा यकीन कीजिए काकू, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना मान सम्मान और प्यार देंगी। आपको अंदाजा भी नहीं है काकू कि आपसे ये बात छुपाकर मैं कितना गिल्टी फील कर रही थी, कितनी परेशान थी। परेशान थी ना, तो फिर पहले सच क्यों नहीं बोला? मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी थी? पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद को विराट सर से अलग नहीं मानती, मैं और विराट सर एक ही है। मैं विराट सर से बहुत प्यार करती हूँ काकू, और हमने शादी के फेरे लेते हुए एक दूसरे से वचन दिया था कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। भले ही हमें कोई भी बात एक दूसरे को समझानी पड़े तो वो हम कमरे की चार दीवारी में समझाएंगे। अब मैं वो पहले वाली सई नहीं रही काकू, अब मैं सई विराट जवान बन गई हूँ। झूठ, तू फिर झूठ बोल रही है। तू अभी भी वही सही है जिसे मुझे गुस्सा दिलाने में, निराश करने में मजा आता है, इस घर की परंपराओं को बदलने में मजा आता है। काकू मेरा यकीन करिए, मैं वो सही बनना चाहती हूँ जैसे आप मुझे देखती हैं। मैं इस घर को संभालना चाहती हूँ, मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस सब से कुछ ज्यादा भी करना चाहती हूँ। मैं इस घर की बड़ी बहू, आपकी उत्तराधिकारी के साथ साथ एक सफल डॉक्टर भी बन सकती हूँ। मुझे माफ करिए काकू कि मैंने अब तक आपसे सच छुपा के रखा, मैंने आपको सच नहीं बताया तब जब आप मुझे इतना मान सम्मान दे रही थी, तब जब आप मुझे इतना प्यार दे रही थी। लेकिन काकू मुझे इस बात का भी दुख है कि आपने मुझे वो मान सम्मान प्यार इसीलिए दिया क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ जो आगे चल के इस घर को संभालेगी, और अगर आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी इसलिए चुना क्योंकि आपने ये सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई, अपनी इंटर्नशिप छोड़ दूंगी, तो काकू आप खुद सोचिए ना, क्या ये सोच सही है? तुम मुझ में गलतियां निकाल रही है? नहीं काकू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, फिर भी अगर आपको ऐसा लगा तो I'm sorry. आपकी नजरों में मेरी जो तस्वीर थी उसे बदलने के लिए मैं सच में आपसे माफी मांग रही हूँ काकू, लेकिन हकीकत यही है कि मैं वो नहीं बन सकती जो आप मुझे बनाना चाहती है। आपने मुझे इतना प्यार मान सम्मान दिया, मैं फिर से वो सम्मान कमाना चाहती हूँ काकू। शंभर साष्टांग नमस्कार खातलेस, तरी मी तुला माफ करणार नाहीये।